तो गाइस इंडिया की पॉपुलेशन में इनकम इनइक्वालिटी तो बहुत टाइम से हो ही रही थी, लेकिन कोरोना वायरस के आउटब्रेक के बाद ये चीज और दुगनी तेजी से बढ़ने लगी। एक रिपोर्ट थी जिसका टाइटल था द इनइक्वालिटी वायरस। उस रिपोर्ट के अंदर ये बात सामने आई कि इंडिया की गरीब पॉपुलेशन की हालत पैंडेमिक की वजह से दिन ब दिन खराब होती जा रही है। साल 2020 के लॉकडाउन की वजह से 170,000 लोगों ने अपनी जॉब खो दी, वो जॉब जहाँ से उनको अच्छी खासी सैलरी मिल रही थी। इस तरह से जॉब खोने वाले लोगों में से ज्यादातर इनफॉर्मल सेक्टर के थे, और जॉब खो जाने के बाद गुजारा करने के लिए उनको अब बहुत ही कम सैलरी पर काम करना पड़ रहा है। अभी के टाइम की अगर मैं बात करूं तो हमारी देश की पुअर पॉपुलेशन के 24% लोग ऐसे हैं जो कोरोना वायरस की महामारी की वजह से सिर्फ 3,000 रुपए पर मंथ कमा रहे हैं, और जो अनस्किल्ड वर्कर्स या फिर अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स में काम कर रहे थे उन्हें स्टिल कोई स्टेबल या फिर सिक्योर जॉब की तलाश है। बट इस रिपोर्ट में ये बात भी क्लियरली मेंशन की गई कि जहां इंडियन इकोनॉमी का एक बड़ा ग्रुप फाइनेंशियल तौर पर स्ट्रगल कर रहा था, वहीं कुछ लोग इस पैंडेमिक के टाइम पर ऐसा भी थे जो कुछ मनी प्रिंसिपल्स का यूज करके अपने आप को ग्रो करते जा रहे थे, क्योंकि वो ये पहले से ही जानते थे कि इस तरह की सिचुएशन में अपने आप को स्टेबल कैसे बनाकर रखना है। अब हो सकता है कि आपके माइंड में शायद ये चल रहा हो कि यार इस इनकम इनइक्वालिटी के बारे में जानकर हमारा क्या फायदा। वेल, आज मैं इस टॉपिक पर इसलिए बात कर रहा हूं क्योंकि ज्यादातर लोग डीपली इस चीज पर ध्यान ही नहीं देते। हर कोई सिर्फ पैसा कमाना चाहता है और यही जानने में लगा हुआ है, बट इस पैसे को कमाने के लिए जो प्रिंसिपल्स यूज होते हैं उस पर किसी का फोकस नहीं जाता। देन जब आगे चलकर उनके साथ में कोई बड़ी इमरजेंसी आती है तो वो अपना सारा पैसा गवा बैठते हैं, और वो भी फिर इसी इनकम इनइक्वालिटी की रिपोर्ट में शामिल हो जाते हैं जिसकी अभी मैंने बात की थी। तो अगर आप फाइनेंशियली खुद को दूसरों से अलग रखना चाहते हैं तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव हो सकती है, क्योंकि आज मैं आपको कुछ ऐसे मनी प्रिंसिपल्स के बारे में बताऊंगा जो काफी हद तक आपके फाइनेंशियल प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं और आपको फाइनेंशियली सिक्योर कर सकते हैं। सो लेट्स बिगिन। तो पहला प्रिंसिपल है, डोंट बाय इफ यू कांट अफोर्ड इट। लोगों के फाइनेंशियली स्ट्रगल करने की एक बहुत बड़ी वजह यह होती है कि उनको ये बात पता ही नहीं होती कि वो अभी कौन सी चीज अफोर्ड कर सकते हैं और कौन सी नहीं। मतलब जो भी चीज हमको अच्छी लगती है हम उसे खरीद लेते हैं, लेकिन हम इस चीज पर ध्यान नहीं देते कि ये जो चीज हमने खरीदी है ये वाकई में हमारे लिए अफोर्डेबल है भी या नहीं। इन छोटी छोटी चीजों पर गौर किए बिना ही हम अपने कई डिजायर्स को पूरा करना शुरू कर देते हैं, फिर भले ही वो डिजायर्स पूरे करने के लिए हमको क्रेडिट कार्ड या फिर लोन का सहारा ही क्यों ना लेना पड़े, जो बाद में जब एक कर्ज की तरह हमारे ऊपर आकर पड़ता है तो तब हमको ये रियलाइज होता है कि हमने कितनी बड़ी मिस्टेक कर दी। एग्जाम्पल, मान लीजिए कि एक आदमी की सैलरी 20,000 रुपए है, जिसमें से 5,000 रुपए उसके घर की EMI, 3,000 रुपए उसकी कार की EMI और करीब 3,000 से 4,000 रुपए उसके बाकी बिल्स भरने में निकल जाते हैं। फिर ये सब हटाकर जो उसके पास उसका बाकी पैसा बचता है उससे वो अपना घर चलाता है। अब एक बार के लिए जरा इमेजिन कीजिए कि अगर किसी वजह से इस आदमी की जॉब चली गई तो इसका क्या होगा। उसका घर चलाना तो दूर, EMIs वाले उसका जीना भारी कर देंगे। हाँ, हो सकता है अभी आपको ये बात थोड़ी इलॉजिकल लग रही हो, बट कई सारे लोग आज भी इंडिया के अंदर ऐसे हैं जो सेम यही सिचुएशन फेस कर रहे हैं। अब ये सब फेस करने के बाद उनके पास आखिरी ऑप्शन बचता है कि या तो वो लोन ले लें या फिर किसी से कर्ज ले लें। फिर यहाँ आने के बाद आप किस तरह के ट्रैप में फंस जाओगे ये मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट मनी प्रिंसिपल जो हर किसी को आज के वक्त में ध्यान में रखना चाहिए वो है ये समझना कि आप जो चीज बाय करना चाहते हो या फिर जिस चीज की आपको जरूरत है, क्या अभी आप उसे खरीदने के कैपेबल हो या नहीं। मतलब खुदा ना खास्ता अगर बाद में आपके साथ भी कोई ऐसी ही सिचुएशन हो जाती है तो क्या उस सिचुएशन में आप सर्वाइव कर पाएंगे। अगर यस तो कोई परेशानी नहीं है, आप जो मर्जी खरीदिए, बट अगर आपका जवाब नहीं है तो अभी इन सब चीजों से दूर रहना ही आपके लिए समझदारी होगी, एटलीस्ट तब तक जब तक आप अपने आप को फाइनेंशियली सिक्योर नहीं कर लेते। दूसरा मनी प्रिंसिपल कहता है, ट्रीट मनी एज योर बेबी। हम दुनिया का कोई भी छोटे से छोटा या फिर बड़े से बड़ा काम भी कर लें, उस काम के बदले कहीं ना कहीं हमारा मकसद सिर्फ पैसा कमाना ही होता है। फिर चाहे लोग वो रिक्शा चलाकर कमाएं या फिर कोई बड़ी कंपनी खोलकर, हर कोई चाहता है कि मुझे अपनी मेहनत के बदले पैसा मिलता रहे। अब जैसे तैसे करके लोग पैसे तो कमा लेते हैं, बट बाद में जब उनको मैनेज करने का टाइम आता है तो वो फेल हो जाते हैं। मोटिवेशनल स्पीकर टॉनी रॉबिन्स जब लोगों के बीच में एक सेमिनार अटेंड कर रहे थे तो तभी उनके कुछ बोलने से पहले ही एक आदमी खड़ा होता है और कहता है कि सर माफी चाहूंगा, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही इंटरप्ट कर दिया, पर एक चीज जो मेरे साथ कई सालों से हो रही है वो ये है कि मैं पैसा तो बहुत कमाता हूँ पर ना चाहते हुए भी मैं अपने उस पैसे को अपने पास रोक नहीं पाता। मैं हर बार सोचता हूँ कि अब मैं अपने पैसे खर्च नहीं करूंगा, अब नहीं करूंगा, पर स्टिल मुझे कुछ ना कुछ ऐसा दिख ही जाता है जिनको खरीद कर मैं अपने उस पैसे को खर्च कर डालता हूँ। तो इस पर टॉनी रॉबिन्स कहते हैं, अच्छा मुझे ये बताओ कि अगर मैं तुमको ये कहूँ कि आने वाले 5 सालों में तुमको मुझे अमीर बन के दिखाना है तो इस सिचुएशन में तुम्हारी पहली जिम्मेदारी क्या होगी। तो वो आदमी कहता है, ऑब्वियसली पैसे कमाना होगी। इसके अलावा
इसके अलावा कुछ भी नहीं। तो इस पर टोनी रॉबिन्स कहते हैं, बच्चे तुमने अपना जवाब अपनी बातों में ही दे दिया। तुम अब तक अपना पैसा खर्च करने से इसलिए नहीं बचा पाए क्योंकि तुम उसको एक जिम्मेदारी समझते ही नहीं, जबकि तुम्हारी जिम्मेदारी यहीं से शुरू होती है। देखो, पैसा भी बिल्कुल एक छोटे बच्चे की तरह होता है जिसे अटेंशन और केयर दोनों ही चीजों की जरूरत होती है, पर जब हम उसको ये अटेंशन नहीं दे पाते तो वो अपनी मनमानी करने लगता है और इधर उधर भागने लगता है। इसलिए पैसा कमाने के साथ साथ उसको मैनेज करना भी तुम्हारी जिम्मेदारी है, और अगर तुम इस जिम्मेदारी को बखूबी निभाते हो तो तुम्हारा पैसा तुम्हारे हाथों से कभी नहीं छूटेगा। दुनिया के सभी लोग इस बात को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि कैसे उनको अपना पैसा मैनेज करना है और कैसे उसे ग्रो करना है, इसलिए ये प्रिंसिपल जरूर याद रखना। तीसरा प्रिंसिपल कहता है कि योर मोस्ट वैल्यूएबल एसेट इज योर टाइम। जब भी लोग अमीर बनने की डेफिनेशन देते हैं तो वो ये कहते हैं कि बस पैसा कमाओ और उसको इन्वेस्ट करो। अगर इसी तरह से कुछ साल लगातार करते रहोगे तो आप अमीर बन जाओगे, बट इस प्रोसेस में एक्चुअल में कितना टाइम लगता है इस बारे में ज्यादातर लोग डिस्कस ही नहीं करते, जिस वजह से बाकी लोग इस चीज को इतना इजी मान लेते हैं कि उनको ये गलतफहमी हो जाती है कि अमीर बनना आसान काम है। उन्हें लगता है कि बस इसके लिए हमको ज्यादा पैसा कमाना है और उसको इन्वेस्ट करना है, बाकी इन्वेस्टमेंट से उनको जो रिटर्न्स मिलते रहेंगे बस उन्हीं से वो फाइनेंशियली सिक्योर और फाइनेंशियली फ्री हो जाएंगे। बट जितना सबको लगता है ये सब हमारे साथ इतना जल्दी नहीं होता। दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर वॉरेन बफेट, जिन्होंने 11 साल की उम्र से ही इन्वेस्टिंग करना शुरू कर दिया था, उन्हें $1 मिलियन कमाने में 16 साल लग गए, और जब वो $1 बिलियन की नेटवर्थ तक पहुंचे तब उनकी एज 56 साल की थी। मतलब एक मिलियनर से बिलियनर बनने में उनको 29 साल लग गए, जबकि ये बात आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि उनको शुरू से ही इन्वेस्टिंग से रिलेटेड चीजों में काफी इंटरेस्ट था, तब भी उनको इतना टाइम लग गया। बट इस चीज से मेरा ये मतलब नहीं है कि आपको भी इतने पैसे कमाने के लिए इतना ही टाइम लगेगा, लेकिन ये तो क्लियर है कि अपने पैसे को ग्रो करने में आपको टाइम तो लगेगा ही। इसलिए इस प्रोसेस को एक आसान चीज समझना और ये मानना कि ये तो आप आगे भी कर सकते हैं, ये बेवकूफी होगी। जितनी जल्दी आप पैसे सेव करके इन्वेस्टिंग करना शुरू कर देंगे उतना ही ज्यादा वक्त आपके पैसे को इंक्रीज होने के लिए मिल जाएगा, और अगर आपके पास फाइनेंस के बारे में एक प्रॉपर नॉलेज है और आपको पता है कि कैसे स्टेप बाय स्टेप हर चीज से खुद को ग्रो कर सकते हैं तो आपका इस प्रोसेस में लगने वाला टाइम और भी ज्यादा कम हो जाएगा। इंटरनेट पर आपको बहुत सारे ऐसे तरीके मिल जाएंगे जो इसमें आपकी हेल्प करेंगे, बट बिल्कुल बेसिक लेवल से अगर आप इस नॉलेज को एक्वायर करना चाहते हैं तो मेरे पास आपके लिए एक बहुत ही रिलायबल सोर्स है जिसका नाम है elearnmarket.com। यहाँ पर आपको इम्पोर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल लिटरेसी से लेकर इन्वेस्टमेंट, फाइनेंशियल गोल्स, कैपिटल, शेयर्स, हर किसी की नॉलेज मिलेगी, और वो भी बिल्कुल जीरो लेवल से। अब वैसे अगर आप डायरेक्ट इस वेबसाइट पर जाते हैं और इस कोर्स पर विजिट करते हैं तो ये आपको ₹999 का एक पेड कोर्स देखने को मिलेगा, बट डिस्क्रिप्शन में मैंने जो लिंक दिया है उसके थ्रू अगर आप इस वेबसाइट पर विजिट करते हैं और रजिस्टर करने के बाद decent100 नाम से ये कूपन कोड ऐड कर देते हैं तो फिर ये कोर्स आपके लिए बिल्कुल फ्री में ओपन हो जाएगा, जहां आप फाइनेंशियल रिलेटेड मैक्सिमम चीजों को बिल्कुल बेसिक लेवल से सीख सकते हैं। चौथा मनी प्रिंसिपल कहता है, सेव फॉर लेटर। वेल, देखो, सेविंग्स दो तरह की होती है। पहली तो वही जिसमें आप अपने बचाए हुए पैसे को इन्वेस्ट कर देते हैं जहां से आपको रिटर्न्स मिलती है, और दूसरी सेविंग्स वो होती है जो एज एन इमरजेंसी फंड बुरे वक्त में हमारे काम आती है। लेकिन लोग सेविंग्स के दो डिफरेंट कॉन्सेप्ट को समझते ही नहीं और बस एक ही तरह से सेविंग्स करते हैं, और फिर जब उनके पास अच्छी खासी सेविंग्स हो जाती है तो वो उसको अपनी पसंद की चीजों में लगा देते हैं, जिससे जब उनकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आती है तो उस वक्त उनके पास इतना पैसा भी नहीं होता कि वो खुद से अपने आप को इस प्रॉब्लम से निकाल सकें, क्योंकि वो अपनी सारी सेविंग्स पहले ही खर्च कर चुके होते हैं और इमरजेंसी के नाम पर उनके पास कुछ बचता ही नहीं। इसलिए जरूरी है कि आप सेविंग्स और इमरजेंसी फंड इनको दो अलग अलग चीजें समझें, क्योंकि ये समझने के बाद आप दो अलग अलग तरह से सेविंग्स कर पाएंगे, जिससे आप अपने शौक भी पूरे कर सकेंगे और इमरजेंसी के टाइम में फाइनेंशियली स्टेबल भी रह सकेंगे। सो गाइज, ये थे कुछ मनी प्रिंसिपल्स जिनको समझकर अगर आप इनको अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करेंगे तो आपको डेफिनेटली सक्सेस मिलेगी। ये वीडियो गाइज अगर आपको थोड़ी भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें, और डिस्क्रिप्शन में elearnmarket.com का लिंक है, अपनी फाइनेंशियल नॉलेज को इंक्रीज करने के लिए वहां भी जरूर विजिट करें। तो मैं मिलता हूं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, टेक केयर।